शहर कोतवाल महेश शर्मा ने बताया कि स्वर्ग रोड पर स्थित कबाड़ गोदाम में चोरी होने पर गठित पुलिस टीम में शामिल ईश मोहम्मद एसआई, हेड कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह व जान मोहम्मद और कांस्टेबल नरेश धर्म सिंह और विवेक ने कबाड़ गोदाम चोरी का पटाक्षेप कर चोरी के आरोपी उमाशंकर उर्फ शंकर निवासी विकास पथ, आकाश उर्फ उदय निवासी मालन की गली को गिरफ्तार कर चोरी का माल तांबा पीतल सिल्वर और चोरी के काम में ली गई स्कूटी बरामद की है। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव दिव्यंदु शर्मा व शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शहर के वार्ड 39 व 45 के भांड बस्ती गुरु गोविंद सिंह का दौरा कर सफाई व्यवस्था व पेयजल प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों से बातचीत कर समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिलाया। सचिव ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था काफी चरमरा गई है, पानी की समस्या के कारण लोग धरने प्रदर्शन को मजबूर हैं। इस मौके पर वार्ड अध्यक्ष अतर सिंह, कुंदन सैनी, अश्विनी शर्मा, सतनाम सिंह, निहाल, दीपक, परविंदर, चंद्रशेखर, कमलेश, अनिल सैनी आदि उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 45 गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके वहाँ पे विचार विमर्श किया। वहाँ पे पब्लिक ने बड़ा तगड़ा रोना रोया, ने साहब हमारे लैट्रिन है, न बाथरूम है, न पानी की निकासी है, न हमको पानी मिलता है। मतलब इंसान क्या, हम जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ये भांड बस्ती के पास ये सारी चीजें हैं। वहाँ पे कलेक्टर महोदय से हमारा ये निवेदन है कि साहब ये इस कॉलोनी में आए और देखें, इन लोगों का कुछ समाधान करें, जिससे इन लोगों के आदमी की तरह जिंदगी जिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। आज अपने भांड बस्ती में जाके सर्वे किया, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने देखा कि यहाँ वार्ड बस्ती में स्थानीय निवासी पेयजल समस्या से किल्लत है और सफाई व्यवस्था भी दयनीय हो रही है। यहाँ जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, डेंगू जैसे बीमारी पनप रही है। यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा गंदगी है, डेंगू हो रखे है, बड़े बीमार हो रहे, कुछ और रास्ते में आने जाने की बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे बहुत नाली होगा, बाहर गंद भरा हुआ है, रोड के ऊपर निकास नहीं है, कोई निकास नहीं। यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम करने आते नहीं यहाँ पे कोई भी। और पानी कितनी समस्या है, पानी बड़ी दूर से भर के लाते हैं, ना यहाँ लैटरिन है ना कुछ है, और ना पानी के साधन है यहाँ पे कुछ। पानी बहुत दूर से भर के लाते हैं, वहाँ पे क्या है, बच्चों का झगड़ा लड़ाई हो जाती है वहाँ पे। और कोई मोटे बहुत बच्चे होती है, तार बच्चे, कोई अगर बिजली से चपक के मर भी सकता है वहाँ पे। वहाँ की जिम्मेवारी कौन का, प्रशासन भरेगी क्या।